आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का बड़ा दावा, बढ़ती मुस्लिम आबादी बनेगी काल, लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत, दूसरे देशों से सीख लेने की जरूरत, जापान और चीन भी बदल दिए हैं अपने नियम। अप्रैल में एक खबर ने सबका ध्यान बड़ी गौर से अपनी तरफ खींचा था। संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक खबर थी कि भारत की आबादी इस साल के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ देगी। अब वो वक्त आ गया है जब हम इस साल के लगभग मध्य में हैं। मतलब हम जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ चुके हैं, तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक विषय है। और इस चिंता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने शायद बेहद करीबी से महसूस किया है। उसने अभी अपने हाल ही के एक अंग में अपने संपादकीय में देश में बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। खास तौर से मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी पर ऑर्गेनाइजर के शब्द कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर का मानना है कि अगर मूल आबादी ही बदल गई, तो बीजेपी जनगणना के बाद संसद में कुछ सीटें हार जाएगी। ऑर्गेनाइजर ने लिखा, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में धर्म विशेष की जनसंख्या संतुलित नहीं है। खास तौर पर सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी में काफी वृद्धि देखी गई है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के लिए जब संख्या अहम होती है, तो ये जनसंख्या फैसले को प्रभावित करती है। लिहाजा इस प्रवृत्ति को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हर एक पत्र का अपना एक मत और जनमत हो सकता है, पर सवाल सबसे गंभीर ये है कि सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, जिन पर देश के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक संगठन आरएसएस की नजर पड़ी है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। तो कहीं ये घुसपैठ ही तो नहीं, हमारे देश की आबादी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की को बढ़ावा दे रही है। अगर ऑर्गेनाइजर के शब्दों में कहें तो हाँ, यही वो घुसपैठ है। अगर आप ग्राउंड जीरो पर महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि देश के सीमावर्ती राज्यों में खास तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऑर्गेनाइजर का मानना है कि अवैध घुसपैठ की वजह से इन राज्यों में मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऑर्गेनाइजर ने इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। आरएसएस की पत्रिका के संपादकीय में इसी के साथ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला गया है। संपादकीय में लिखा है कि राहुल गांधी जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं, तो द्रविड़ पार्टियां सनातन को गाली देती हैं। संपादकीय में इसे भी जनसंख्या असंतुलन की वजह बताया गया है। पत्रिका में आगे कहा गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन एक अहम आयाम है। ये भविष्य में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को प्रभावित करेगा। इसलिए हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो ये सुनिश्चित करें कि आबादी बढ़ने से किसी एक धार्मिक समुदाय या क्षेत्र पर उसका विपरीत असर नहीं पड़े, क्योंकि ऐसा हुआ तो सामाजिक आर्थिक असमानताएं बढ़ने के साथ ही राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजर का मानना है कि इस चलन को लेकर हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत है। संपादकीय में कहा गया है कि भारत को जनसंख्या नीति पर विचार करने की जरूरत है। जनसंख्या की नीति उसकी जटिलताओं से जुड़े मुद्दों और राष्ट्र की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। जापान दशकों से नकारात्मक वृद्धि दर का सामना कर रहा है, जबकि चीन ने जनसंख्या नियंत्रण की अपनी नीति को ही पलट दिया है। संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि आरएसएस के विभिन्न संगठनों और प्रस्तावों में कहा गया है कि देश के बंटवारे के भयभीत करने वाले हालात से हमें सीख लेनी चाहिए। अभी जो हो रहा है वो राजनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सरासर गलत है। हमें इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे देश में एक लंबे वक्त से जनगणना नहीं हुई है। आने वाले वक्त में जब भी जनगणना होती है, तो उसके बाद हमें जनसंख्या नियंत्रण पर एक उच्च बहस का नजारा पूरे देश में देखने को मिल सकता है। ऐसे में कौन सी पार्टी इस मुद्दे को कितने अच्छे ढंग से भुना पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।